अस्थि कलश पहुंच चुका है हर की पौड़ी पर। अपार जनसमूह अटल जी के सहयात्री, राजनीतिक यात्रा के सहयात्री भी, अटल जी के अनुयायी भी, अटल जी के समर्थक भी, और देश के अनेक कोनों से आए हुए असंख्य लोग इस समय पहुंचे हुए हैं। अस्थि कलश लेकर पहुंच रहे हैं परिजन। इस समय सजे हुए एक ट्रक में आया ये अस्थि कलश, पन्नालाल इंटर कॉलेज से होता हुआ, शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ अब हर की पौड़ी पर पहुंच चुका है। हर की वो पौड़ी जो कि सनातन संस्कृति में जिसका विशेष स्थान है, और यहाँ पर विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच में पूजा अर्चना करने के साथ ही विधिवत परंपरागत तरीके से यहाँ पर वो किया जाएगा, अस्थि विसर्जन किया जाएगा अटल जी के अस्थि कलश का। परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समेत अनेक नेता राज्यों के, अनेक अन्य राज्यों के नेता यहां पहुंचे हैं। और इस समय यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे भारत माता की जय, ये गगनभेदी नारे लग रहे हैं। और इन गगनभेदी नारों से अटल अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे गगनभेदी नारे ही इस समय इस पूरे क्षितिज को, इस पूरे वातावरण को आच्छादित किए हुए हैं। निश्चित तौर से अटल जी का जाना पूरे राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है, लेकिन जिस तरीके की सनातन संस्कृति है वो ये कहती है कि आत्मा अजर अमर है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न च शोषयति मारुतः। यानी कि अटल जी, अटल की आत्मा और साथ ही साथ कोई भी जीवात्मा, कभी ये जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। और अटल जी जैसे विराट व्यक्तित्व तो निश्चित तौर से अपने व्यक्तित्व, कृतित्व, अपने रीति नीति और दर्शन के रूप में अनवरत काल तक, अनंत काल तक भारत और पूरे विश्व में जाने जाएंगे। उनका स्थूल शरीर भरे रहे, उनका पार्थिव शरीर अब हमारे बीच में पंच तत्व में विलीन हो चुका है, उनका अस्थि कलश अभी हमारे बीच में पहुंचा हुआ है। और राष्ट्र देख रहा है कि वो इस माँ पतित पावनी गंगा के तट पर यहाँ पर हर की पौड़ी में अब से कुछ देर हमारे साथ सुरवेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक संपादक जुड़ चुके हैं। सुरवेश जी, हम देख रहे हैं जन सैलाब नजर आ रहा है, वहां पर अस्थियां पहुंच चुकी हैं, साथ ही परिजन भी नजर आ रहे हैं, अटल जी की बेटी नजर आ रही है, लेकिन सबके चेहरे पर अभी भी मायूसी छाई हुई है। ये बंदना ये स्वाभाविक ही है, जो वहाँ जन सैलाब उमड़ा है अटल जी के को श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनके अस्थि कलश पर, क्योंकि अटल जी पूरे भारत में जन जन के नायक थे और पूरे देश में सभी जनता के मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा थी। ये श्रद्धा उनके एक राजनीतिक व्यक्तित्व कारण नहीं थी, लेकिन एक जो उनका एक स्वाभाविक स्वीकार्यता जो देश भर की जनता में उनके प्रति थी, उसके कारण थी। अटल जी भारत की राजनीति में आधी सदी तक राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहे। 1952 के बाद से और 2004 तक अटल जी लगभग 60 वर्ष तक भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु रहे। और उन्होंने न केवल भारत की राजनीति में मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने अपनी पार्टी को भी शून्य से शिखर तक पहुंचाया। जिस समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया भारतीय जनसंघ के रूप में, तो पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ कोई चुनाव नहीं जीत सकी थी, लेकिन वही अटल बिहारी वाजपेयी, उनका परिश्रम, उन्होंने तिल तिल कर अपने अपने एक एक सांस से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, और वे भारतीय जनता पार्टी के इस विचार परिवार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश को उन्होंने सुशोभित किया। और जो उन्होंने काम किए, जो देश के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई, उन योजनाओं से जो भारत का चहुंमुखी विकास हुआ उनके 3 वर्ष के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, उससे देश उनके कामों के प्रति नतमस्तक है। और आज देश भर के कोने कोने से और पूरे समूचे उत्तराखंड से जनता हरिद्वार में एकत्रित हुई है। ये हरिद्वार का
कि जनता का, उत्तराखंड की जनता का उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम का भाव है जो आज व्यक्त हो रहा है। बिल्कुल सर्वेश्वर, ठीक है आपने कि हर किसी के चहेते रहे हैं हमेशा से अटल जी। और अगर हम आज मौजूद बड़े नेताओं की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, हमेशा से ही इन्होंने कहा है कि हमारे गुरु रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पिता के रूप में हमारे साथ हमेशा रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति क्या होती है अटल जी ने ही इनको सिखाई है, इसलिए आज भी कलश यात्रा के दौरान एक मायूसी इनके चेहरे पर देखी गई, एक नमी इनकी आंखों में देखी गई, क्योंकि एक बहुत बड़े नेता को इन्होंने खो दिया, एक बहुत बड़े मेंटोर जिनको हम कहते हैं उनको इन्होंने खो दिया है। जी वंदना, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो आज के जो भी नेता हैं जो इस समय मौजूद हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, अमित शाह हों, ये सभी राजनीति में जो पौधे रोपे गए वो सब अटल बिहारी वाजपेयी के ही रोपित हैं और आज ये राजनीति में सफलता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ये अटल जी की ही देन है, अटल जी की ही दूरदृष्टि है जो उन्होंने चुन चुन कर नेताओं को आगे बढ़ाया, उनका मार्गदर्शन किया, उनको राजनीतिक टिप्स दिए। बिल्कुल सर्वेश्वर, ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं राजनीति का असली मतलब इन्होंने ही बताया है। सर्वेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, अपने दर्शकों को फिलहाल तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। गंगा घाट पर अस्थि कलश यात्रा पहुंच चुकी है, अमित शाह नजर आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर में अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी। सर्वेश जी, ऐसे में देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी पहल यहां पर की गई है, बहुत ही सराहनीय पहल यहां पर की गई है, क्योंकि हमने देखा कि मुख्य अग्नि अटल जी को उनकी बेटी ने दी, नमिता ने दी, और आज भी देखा जा रहा है कि कलश आगे लेकर वही प्रस्थान कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज सोसाइटी को दिया गया है। जी स्वाभाविक है कि उनका परिवार है और परिवार के लोग ही हमारे हिंदू समाज में, परिवार के लोग ही ये सब जो संस्कार हैं उनको की पूर्ति और उनका निर्वहन करते हैं। ये अंतिम संस्कार से लेकर फूल चुनने तक, जिसको हम अस्थियां एकत्रित करना कहते हैं, वो फूल चुनना जिसको हम कहते हैं जी। तो ये सब जिम्मेदारी परिवार के लोगों की, पारिवारिक सदस्यों की और मित्रों की होती है, जो फूल एकत्रित करना, फूल चुनकर या अस्थियां एकत्रित करके उनको लेकर आज गंगा में, पवित्र मोक्षदायिनी गंगा में उनको अर्पित करेंगे। और हिंदू समाज में हर व्यक्ति की, हर सदस्य की ये इच्छा रहती है कि उसे अंतिम समय में गंगा का स्पर्श मिले। इसीलिए गंगा के में अस्थि विसर्जन का महत्व हरिद्वार में, इलाहाबाद में संगम में और वाराणसी में, काशी में, ये तीन स्थान पर मुख्य रूप से लोगों की इच्छा होती है कि हमें गंगा का अंतिम समय पर स्पर्श मिले। तो उसी कारण परिवार उनका जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस समय मौजूद है वो भी अपने परिवार, पारिवारिक जिम्मेदारी ही निभा रहा है, क्योंकि अटल जी इस परिवार के संरक्षक थे और इस परिवार के मार्गदर्शक थे। इस परिवार को उन्होंने एक तरह से उसकी परवरिश की है, उसके चिंता की है, उसे एक मुकाम पर राजनीतिक सफलता के साथ, राजनीति में सफलता के शिखर पर पहुंचाया है। तो इस कारण परिवार उनका स्वाभाविक रूप से अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा है। बिल्कुल सर्वेश जी, ठीक कहा आपने कि परिवार की ड्यूटी होती है ये। साथ ही हम देख सकते हैं आज भी जन सैलाब देखने को मिला, लाखों की तादाद में लोग देखने को मिले, हर किसी के चेहरे पर मायूसी जरूर देखी गई। इस दौरान हमने देखा कि अटल जी अमर रहे के नारे भी वो लगा रहे थे। कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोकप्रिय रहे हैं अटल जी, और हमेशा, चाहे आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन देश भर में उनको याद किया जाएगा, उनके पढ़ाए हुए पाठों को याद किया जाएगा, उनकी लिखी हुई कविताओं को याद किया जाएगा। इससे पहले भी जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, उस दिन भी देखा गया था कि एक जन सैलाब देखा गया था, लाखों की तादाद में लोग, गर्मी थी, धूप थी, लेकिन फिर भी बिना इस चीजों की चिंता किए हुए लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि आपने। ये
अटल जी के प्रति जो लोग जो उमड़ा है जनसैलाब और जो लोग एकत्रित हुए हैं, ये सब स्वाभाविक, ये आत्म प्रेरणा से एकत्रित हुए हैं। अभी दिल्ली में जिस दिन अटल जी की अंत्येष्टि हुई है 17 तारीख को, उस दिन हमने देखा कि पूरे दिल्ली में जो ट्रेडर्स की फेडरेशन है, व्यापारियों की संस्था है, उसने अपनी तरफ से कॉल किया कि पूरी दिल्ली के सारे कारोबार बंद रहेंगे। किसी ने उनसे अपील नहीं की थी, किसी ने उनसे अप्रोच भी नहीं की थी, लेकिन पूरी दिल्ली का ट्रेडर्स एक साथ उन्होंने उनके अटल जी के शोक में बाजार बंद रखा। और ये बिल्कुल इसी से अंदाजा होता है कहीं ना कहीं कि हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। सर्वेश जी फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।